नमस्कार दोस्तों। तो एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके पास। वो वीडियो मैंने बनाई है अपने सब्सक्राइबर के कमेंट को देखते हुए। तो उस कमेंट में उसने मुझसे पूछा था कि उसके पास एक सीपीयू सा कैमरा है, तो उस कैमरे में बेसिकली हर कैमरे में दो कनेक्टर होते हैं, एक बीएनसी एक डीसी। लेकिन उसके उस कैमरे में तीन कनेक्टर हैं, एक बीएनसी एक डीसी है, साथ में एक तीसरा सॉकेट है, उसमें स्विच है, टिक स्विच। तो टिक स्विच किस काम का होता है, उसका पर्पज क्या है, वो क्यों लगाया जाता है, तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मेनली क्या होता है कि आजकल की जो डीवीआर है, जो लेटेस्ट डीवीआर है, चाहे वो सीपी प्लस का हो, चाहे हिकविजन का हो, चाहे दहुआ का हो, चाहे लोकल हो, तो आजकल वो सारे डीवीआर सारे कैमरे सपोर्ट करते हैं। इट मीन आपके पास अगर सीपी प्लस का सीवीआई कैमरा है, हिकविजन का टीवीआई कैमरा है, दहुआ का सीवीआई कैमरा है, या फिर टीवीटी पैनासोनिक के एएचडी कैमरे हैं, लोकल ब्रांड के एएचडी कैमरे हैं, तो आजकल तो सारे कैमरे सपोर्ट करते हैं। लेकिन काफी कस्टमर के पास आज भी पुराने डीवीआर लगे हुए हैं, किसी के पास हिकविजन का पुराना डीवीआर लगा हुआ है। तो जब वो कैमरे अपडेट करते हैं, तो सपोज अगर उनका जो हिकविजन कैम डीवीआर लगा हुआ है वो टीवीआई वाला लगा हुआ है, तो उसमें सिर्फ टीवीआई वाले कैमरे ही सपोर्ट होते हैं। मतलब हिकविजन लगा होगा तो ही सपोर्ट होगा, अदरवाइज सपोर्ट नहीं होगा। या फिर नॉर्मल कैमरे है जिसमें नॉर्मल कैमरे सपोर्ट होते हैं। तो ये जो कैमरा है बेसिकली ये एचडी कैमरा है, 1.3 मेगापिक्सल का। लेकिन इसको आप नॉर्मल कैमरे में कन्वर्ट कर सकते हो या एएचडी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये टिक स्विच किस काम आता है, क्या करना पड़ता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये टिक स्विच है जिसको प्रेस करते हैं, तो बेसिकली इसके साथ में आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, प्रेस 4-5 सेकेंड टू चेंज कैमरा स्ट्रीम। तो बेसिकली ये कैमरे की स्ट्रीम को चेंज करता है। तो अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट की बात करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सीवीआई आता है। सीवीआई का मतलब कि जो सीपी प्लस का डीवीआर है उसके साथ कंपेटेबल होता है। उसके बाद अगर आप बटन को 5 सेकेंड प्रेस कर देंगे तो कैमरा अपना स्ट्रीम चेंज करके एएचडी बन जाएगा। एएचडी मींस आजकल के जो पैनासोनिक के डीवीआर आते हैं, टीवीटी के आते हैं या लोकल डीवीआर आते हैं, अगर आपका डीवीआर ऐसा है कि वो सिर्फ एएचडी कैमरा ही सपोर्ट करता है, तो आप इसको एएचडी भी कर सकते हैं। देन अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो टीवीटी बन जाएगा 5 सेकेंड प्रेस करने के बाद। तो टीवीआई बेसिकली हिकविजन की ब्रांड है, तो अगर आपके यहाँ पे हिकविजन का पुराना डीवीआर लगा हुआ है तो आप इसको हिकविजन टीवीआई पे सेट कर सकते हैं, तो आपके हिकविजन डीवीआर पे काम करना स्टार्ट कर देगा। और अगर आपके यहाँ पे डीवीआर नॉर्मल लगा हुआ है, इट मीन्स वो सिर्फ नॉर्मल कैमरे सपोर्ट करता है, तो आपको 5 सेकेंड और दबाना पड़ेगा, तो वो CVBS पे हो जाएगा। CVBS मतलब कि जो नॉर्मल डीवीआर है, जो एनालॉग कैमरे होते हैं उसके लिए। देन अगेन प्रेस करोगे तो वापस ही CVI पे आ जाएगा। तो अपने डीवीआर के हिसाब से इसको आप कनेक्ट करके इसका व्यू ले सकते हैं। तो ये कैमरा मल्टीपर्पज़ के लिए है। तो सीपी प्लस का हर मॉडल ऐसा नहीं आता, बट ये कुछ एक यूनिक मॉडल निकले थे, क्योंकि पहले के डीवीआर में ही प्रॉब्लम ही ये थी कि वो सारे कैमरे सपोर्ट नहीं करते थे। तो दोस्तों उम्मीद तो यही करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने लाइक कर दिया हो अब तक। लेकिन अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक पे क्लिक कर दें। अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो साथ में अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा या फिर उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा, वो डिपेंड करता है। और साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को शेयर करना चाहें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का आइकन भी है, वहां पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में एक बेल आइकन है, उसको ऑन करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं इन फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, कोई चार्जेस नहीं है इसके। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। भगवान आपका दिन शुभ करे। थैंक यू सो मच।